भारत में हर रोज 25 से 30 करोड़ मुर्गी के अंडे की खपत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडिया में अंडे का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है। इससे पहले कि आपको अंडे की फैक्ट्री में लेकर चले, उससे पहले कुछ आंकड़े देखें। उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा में 1.5 से 2 करोड़ अंडे का उत्पादन होता है। यूपी में 2.5 से 3 करोड़ अंडे का रोजाना उत्पादन होता है। बिहार यूपी में अंडे का खूब उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में 4 करोड़ अंडे रोज का उत्पादन है। दक्षिण के राज्यों में 3 से 4 करोड़ अंडे का रोज उत्पादन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने अंडे आते कहां से हैं? आमतौर पर अंडे के लिए ऐसी बड़ी बड़ी पोल्ट्री फॉर्म होती है जहां हजारों लाखों मुर्गियां एक साथ रखी जाती हैं। मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए उन्हें टाइम टू टाइम खाना और पानी दिया जाता है। उनके लिए टेम्परेचर का पूरा ख्याल रखा जाता है। रोशनी का पूरा प्रबंध होता है। सबसे पहले छोटे छोटे चूजे लाए जाते हैं। यही चूजे बहुत जल्द एक हेल्दी मुर्गी बन जाते हैं। बड़े होने के बाद मुर्गियों को अलग जगह शिफ्ट किया जाता है। कहे तो एक कंपार्टमेंट में 10 मुर्गियां एक साथ रह सकती हैं। समय समय पर इन मुर्गियों को खाली जगह पर छोड़ा जाता है ताकि इनकी ग्रोथ होती रहे। इसके अलावा इस खुली जगह पर मुर्गियां अंडा देती हैं। अंडे सॉफ्ट होते हैं, ऐसे में मोशन डिटेक्टर से अंडों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद मुर्गियों को इनके कंपार्टमेंट में वापस छोड़ा जाता है। मुर्गियों के वापस अपने कंपार्टमेंट में जाने के बाद उन्हें फिर से खाना पानी दिया जाता है। कई बार मुर्गियां कंपार्टमेंट में ही अंडा दे देती हैं। ऐसा होने पर नीचे एक स्टील का कैच होता है जिसमें अंडा पहुंच जाता है और वहां से अंडे को उठा लिया जाता है। वैसे अंडा बेहद सॉफ्ट होता है, दबाव डालते ही टूट जाता है। ऐसे में फैक्ट्री में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अंडा ना टूटे। इसके लिए हर जरूरी सावधानी बरती जाती है। अंडे को इसी मशीन से आगे की तरफ भेजा जाता है जहां अंडे के ऊपर पानी डाला जाता है ताकि अंडा पूरी तरह से साफ हो जाए। अंडा साफ होने के बाद चमकने लगता है। इसके बाद उसे ग्रेड दिया जाता है। फैक्ट्री में कई सेंसर डिवाइस लगे होते हैं। ये डिवाइस हर सेकंड में 30 से ज्यादा अंडों को चेक करते हैं। इसके बाद खराब अंडे का पता चलते ही उसे पैकिंग से पहले ही हटा दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत आराम से और ध्यान से किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अंडे की पैकिंग। पैकिंग भी दो तरह से होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी इनके यॉर्क को सेपरेट कर। आज के समय में बहुत से लोग एक यॉर्क यानी अंडे के पीले हिस्से और सफेद हिस्से को अलग अलग खाना पसंद करते हैं। इसीलिए आज के समय में कई कंपनियां अंडे के पीले और सफेद हिस्से को अलग अलग करती हैं। सामान्य अंडों को सीधा पैकिंग में भेज दिया जाता है जहां से एक मशीन इन अंडों को पकड़कर ट्रे में सेट करती है। इसी तरह एक के ऊपर एक ट्रे को रखा जाता है। इसके बाद इसे पैक किया जाता है। डायरेक्ट पैकिंग इसी तरह से होती है, लेकिन यॉर्क वाले हिस्से की पैकिंग दूसरी तरह से होती है। ये सामान्य अंडे को एक कंटेनर वेयर पर रखा जाता है जहां पर पतली सी प्लेट होती है जो अंडे को तोड़ देती है और जर्दी और सफेद हिस्सा अलग अलग हो जाता है। इसके बाद इन्हें अलग अलग पैक कर दिया जाता है। फिर इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है जिससे ये कई महीने तक सही रहते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं इन्हें मार्केट में सप्लाई किया जाता है।